मुझे बचान वास्ते तुझे कहानी बनाने लग गए। पठान पुत्र तू ही समझा इसे। बीजी आप ऐसे बहू नो रेडी आपने मुझे बुलाया बीजी? पुत्र तेरे से जरूरी बात करनी है। इसकी बात नहीं सुनना बहू, ये तो एक नंबर की झूठी है। मैं सच कह रही हूँ बहू। तू झूठ बोल रही है। लेकिन हुआ क्या? मुझसे तेरा गुलदान टूट गया। क्या? तेरा गुलदान मेरा हाथ लगने से गिर के टूट गया? नहीं बहू, ये झूठ बोल रही है। गुलदान मेरे हाथ से टूटा। मुझे बचाने के लिए तुझे झूठ क्यों बोल रहे हो जी? तू झूठ बोल रही है। झूठ तो तुम दोनों बोलती। भाभी गुलदान ना पापा जी तोड़ती ना बीजी तोड़ती, गुलदान हम तोड़ती। हमें माफ कर दो भाभी, हम तुम्हारा सजा का हकदार होती। तुम ऐसा गुमसुम क्यों बैठती? हमसे बर्दाश्त नहीं होती बाबा। तुम ना घर के अंदर जाती, ना कुछ खाती, ना सोती, ऐसा कब तक चलती? ते होर मैं की करा, मैं किसी मुंह बखान दे काबिल नहीं रहा। तुम्हें घूंघट पहन के बैठ जाती और जारो जार रोती। बात तो ऐसे करता है जैसे तू लाइफ में कभी रोया ही नहीं। अपने अपने हिस्से का तो हर कोई रोती पापा जी, किसी किसी का आंसू रुकती नहीं और किसी का आंसू आंख में ही सूख जाते। तेरी बातों से लगता है तू बड़ा गम छुपाए फिर रहा है अपने सीने में। हमारा दर्द की दास्तान उसी को नजर आती है जो हमारे बहुत करीब होती। तुम पहला बेगाना होती जिसको देखकर हमको अपनापन लगती। इसी को तो दोस्ती कहते हैं पठान। तुम ही तो मेरा इल्जाम अपने सर पर लेता था। बता मैनु की दर्द है तेनु? वो कौन सा गम है जो तेरे अंदर ही अंदर खा रहा है? बताओ। हाँ बता ना। तुम्हारा टूटा हुआ गुलदान। खोता कुर्बान लाले दी जान कुर्बान। तेरा ममनून हूँ तूने निभाया याराना, तेरी हंसी यार सबसे बड़ा नजराना। ओ बल्ले बल्ले के अज मल मार ली, ओ बल्ले बल्ले के अज मल मार ली। बहू जी पापा जी देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। डंडड़े है ना बिल्कुल जैसा तेरी सहेली ने दिया था। मैं तो उसी दिन से कसम खा ली थी जिस दिन तेरा गुलदान टूटा था कि तेरा गुलदान रिप्लेस करके ही छोड़ूंगा। बस कसली कमर चढ़ पिया लभण, पूरा शहर फिरा मैं, हर दुकान में घुसया, दिन देखी ना रात, भूखा प्यासा ढूंढता रहा ढूंढता रहा। फाइनली इन द एंड एक दुकान में मैनु मिली गया है उल्लू का पट्ठा। पता है पूरे 6,000 का खरीदा लाया हूं मैं। आप तो खुश? 6,000 के 60 रुपए? तूने कैसे पकड़ा मेरा झूठ? होए होए हमको तो हंसी आती तुम्हारे झूठ पे। पापा जी ये गुलदान की कहानी शुरू ही हुई थी आपके झूठ से और खत्म भी हो रही है झूठ से। वो देखिए है एक फूल चार कांटे। पापा जी मेरी सहेली ने ही झूठ बोला था, ये गुलदान तो यहीं के है और हम तीनों अनजाने में एक ही दुकान से जाकर ले आए। मैनू की पता था कि तू पहले ही जाके ले आई है। कोई हमको भी नहीं मालूम होती। अगर मुझे मालूम होता कि मेरी सहेली ने झूठ बोला है तो ये सब होता ही नहीं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक जैसे चार गुलदानों का मैं करूं क्या? इन्हें तो मैं अपने कमरे में रखूंगा, चारों कोनों में एक एक। हाय हाय क्यों? क्योंकि ये बहू की सहेली के नहीं मेरे और पठान की दोस्ती की निशानी है। जहनसीब जहनसीब। शोभा जी तुझसे एक बात कहनी थी। हाय अब क्या हुआ बीबी जी? आई एम सॉरी मुझे माफ कर देना प्लीज। उस दिन जब तूने कप तोड़ा तो मैंने तुझे बहुत डांटा ना। तू जानबूझकर तो नहीं तोड़ती कोई चीज, लेकिन जानबूझकर इस घर को अपना घर समझकर हमारी जो सेवा करती है ना वो तो तूने अपनी फूफी की भी नहीं की होगी। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी बीबी जी जो प्यार करता है डांटने का हक भी उसी को होता है। हम आपसे वादा करते हैं आज के बाद हम कोई चीज नहीं तोड़ेंगे हमारे घर की। पापा जी क्यों हुआ पापा जी? कुछ नहीं मेरा पजामा गिर गया था। पजामा गिरने की इतनी आवाज? ओए पजामे में मैं भी तो था।